जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का RS न्यूज़ के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आखिरकार श्रीलंका के खिलाफ होने वाली T20 और ODI सीरीज के लिए BCCI ने घोषित किया भारतीय टीम का स्क्वाड। इस खिलाड़ी को बनाया गया टीम का कप्तान और ये खिलाड़ी आप सभी को करते हुए दिखेंगे भारतीय क्रिकेट टीम में वापसी। तो ऐसे में दोस्तों जानेंगे कि आखिरकार श्रीलंका के खिलाफ जो सीरीज होने वाली है T20 और ODI, उसके लिए BCCI ने क्या भारतीय टीम के स्क्वाड की घोषणा की है, उसी के बारे में। तो आप सभी जानकारी को जानने के लिए बिल्कुल बने रहिएगा अंत तक इस वीडियो में। और वहीं दोस्तों, यहां पर हम आपको क्रिकेट जगत से जुड़ी जो काफी कुछ बड़ी बड़ी खबरें निकल कर आ रही है उनके बारे में बताएंगे। जैसे कि जो दूसरी बड़ी खबर के बारे में हम बात करेंगे वो ये होगी कि इंग्लैंड में अपना क्वारंटाइन पीरियड खत्म करने के बाद जब प्रैक्टिस करने उतरी भारतीय क्रिकेट टीम तो उसको लगा बड़ा झटका। अचानक से इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने ऐसा फैसला लेकर हर किसी को चौंकाया। तो दोस्तों, आखिरकार क्या ये नाइंसाफी भारतीय क्रिकेट टीम के साथ हो रही है उसके बारे में बताएंगे। और वहीं जो तीसरी बड़ी खबर के बारे में हम बात करेंगे वो ये होगी कि रविंद्र जडेजा ने अपनी पत्नी को लेकर किया बड़ा खुलासा। बताइए अपनी ऐसी लव स्टोरी कि सुनने के बाद आप भी रह जाओगे हैरान। तो दोस्तों, इस बड़ी खबर के बारे में भी जानेंगे। तो आप सभी इन तीनों ही खबरों को जानने के लिए बिल्कुल बने रहिएगा अंत तक इस वीडियो में। और वहीं दोस्तों, अगर आप भी चाहते हो कि भारतीय क्रिकेट टीम श्रीलंका के खिलाफ जीते तो आप अभी इस वीडियो को जरूर लाइक करना। और दोस्तों, आज के इस वीडियो का लाइक टारगेट हमने रखा है बस मात्र 500 लाइक्स का। तो आप अभी इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। और अगर आप भी हमारे चैनल RS न्यूज़ पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल की घंटी को भी जरूर दबाइएगा। तो चलिए, अब आपका ज्यादा समय ना लेते हुए बात करते हैं इस पूरी खबर के बारे में। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि भारत और श्रीलंका के बीच में 3 मैचों की ODI और 3 मैचों की T20 सीरीज का आगाज अब से अगले महीने बाद होने वाला है, जहां पर इस सीरीज को लेकर फैंस के अंदर बेसब्री से उत्साह है। तो वहीं दोस्तों, हम आपको बता दें कि IPL 2021 के स्थगित होने के बाद अब श्रीलंका का दौरा ही एकमात्र ऐसा दौरा होगा जहां पर लिमिटेड ओवरों की सीरीज भारतीय क्रिकेट टीम खेलती हुई दिखाई देगी। और ऐसे में दोस्तों, श्रीलंका के खिलाफ इस दौरे के लिए 3 मैचों की ODI और 3 मैचों की T20 सीरीज खेली जाएगी, जहां पर ODI सीरीज का प्रारंभ 13 जुलाई से करवाया जाएगा। तो इन दूसरे छोर पर T20 सीरीज का आगाज इस बार 22 जुलाई को आप सभी को होता हुआ दिखाई देगा। तो ऐसे में दोस्तों, ये 3-3 मुकाबले इस बार खेले जाएंगे, जहां पर भारतीय क्रिकेट टीम को लेकर लोगों के मन में काफी दिनों से डाउट था कि आखिरकार कौन सी टीम BCCI चुनेगा जो कि श्रीलंका के खिलाफ उन्हें हराने के लिए कामयाब हो। और वहीं दोस्तों, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी कि BCCI ने इंडिया बी की टीम का ऐलान करते हुए काफी बड़े बड़े खिलाड़ियों को टीम में शामिल किया है। और दोस्तों, काफी बड़े बड़े नामी खिलाड़ियों की टीम में एक बार फिर से आप सभी को वापसी होती हुई दिखाई देगी। जी हां दोस्तों, इस बार रोहित शर्मा और कप्तान विराट कोहली की गैर मौजूदगी में कप्तानी की कमान एक नए खिलाड़ी को सौंपी गई है। तो आइए चलिए, अब हम आपको बताते हैं कि आखिरकार कौन सी भारतीय टीम का ऐलान BCCI द्वारा किया गया है। तो दोस्तों, जो BCCI ने टीम चुनी है उसमें जो गेंदबाज शामिल किए गए हैं उसमें है भुवनेश्वर कुमार का नाम, नवदीप सैनी, दीपक चाहर, राहुल चाहर, टी नटराजन, कुलदीप यादव और युजवेंद्र चहल। तो ऐसे में दोस्तों, ये तो खिलाड़ी हुए जो कि गेंदबाजी आप सभी को करवाते हुए नजर आएंगे। तो वहीं अगर हम बात करें मिडिल ऑर्डर की, तो दोस्तों मिडिल ऑर्डर में जिन खिलाड़ियों का नाम रखा गया है उसमें शामिल हैं देवदत्त पडिक्कल, सूर्य कुमार यादव, ईशान किशन, हार्दिक पांड्या, कृणाल पांड्या, मनीष पांडे और संजू सैमसन। तो ऐसे में दोस्तों, ये तो हुआ मिडिल ऑर्डर। तो वहीं अगर हम बात करें टॉप ऑर्डर की, तो दोस्तों टॉप ऑर्डर में जो खिलाड़ी आप सभी को खेलते हुए नजर आएंगे उसमें नाम रखा गया है शिखर धवन और पृथ्वी शॉ का। तो ऐसे में दोस्तों, यही होगी भारतीय क्रिकेट टीम जो कि आप सभी को श्रीलंका के खिलाफ खेलती हुई नजर आने वाली है, जहां पर कप्तान होंगे शिखर धवन। तो अब आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आपको क्या लगता है श्रीलंका के खिलाफ इन खिलाड़ियों में से कौन सी भारतीय प्लेइंग 11 टीम उतरनी चाहिए जो कि श्रीलंका की टीम को बुरी तरीके से हरा सके। आप अपनी कीमती राय और विचार हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो वहीं चलिए, अब आगे बढ़ते हम बात करते हैं अगली खबर के बारे में। जो दोस्तों अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है वो ये है कि बहन की दोस्त पर आया था रविंद्र जडेजा का दिलचस्प लव स्टोरी खुद सुनाई। जी हां दोस्तों, टीम इंडिया के स्टार ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा ने अपने शानदार खेलों से करोड़ों भारतीय फैंस का दिल जीता है। और ऐसे में रविंद्र जडेजा की लव स्टोरी भी उनके क्रिकेट करियर की तरह काफी ज्यादा कमाल की रही है। दरअसल दोस्तों, रविंद्र जडेजा की पत्नी रीवा सोलंकी उनकी बहन नैना की पहली अच्छी दोस्त थी। जी हां दोस्तों, हम आपको बताएं कि रीवावा से मुलाकात एक पार्टी के दौरान हुई, जहां पर बहन की दोस्त को देखकर रविंद्र जडेजा अपना दिल हार गए थे और वहीं से ही उनकी लव स्टोरी की शुरुआत हुई, जहां पर जडेजा की बहन के वजह से उनकी रीवावा के साथ अच्छी दोस्ती हो गई और उसके कुछ वक्त बाद दोनों ने एक दूसरे को डेट करना शुरू कर दिया और उनकी फिर शादी होगी। बाकी दोस्तों, अब आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि रविंद्र जडेजा के बारे में आपकी क्या राय है। आप अपनी कीमती राय और विचार हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए, आगे बढ़ते हम बात करते हैं अगली खबर के बारे में। जो अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है वो ये है दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल मुकाबला अब बेहद ही नजदीक आता चला जा रहा है, जहां पर भारतीय क्रिकेट टीम के सभी बल्लेबाज और गेंदबाज जमकर अभ्यास सत्र में हिस्सा ले रहे हैं। और भारतीय टीम के खिलाड़ी इस बार वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में कोई भी
भी तरह की चूक नहीं करना चाहते। और वहीं दोस्तों हम आपको बताएं कि जहां एक तरफ ऋषभ पंत, रोहित शर्मा और जसप्रीत बुमराह जैसे खतरनाक खिलाड़ी, कप्तान विराट कोहली ने काफी लंबे समय से शतक नहीं लगाया और ऐसे में दर्शक चाहते हैं कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल मुकाबले में विराट कोहली शतक लगाए। तो वहीं दोस्तों हम आपको बताएं कि आज जब मैदान पर अभ्यास सत्र के दौरान विराट कोहली, रविंद्र जडेजा उतरे तो इन दोनों ही खिलाड़ियों ने आज तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी कर हर किसी का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। जी हां दोस्तों, आज विराट कोहली लगभग एक महीने बाद मैदान पर वापसी करते हुए नजर आए, जहां पर वापसी करने के साथ ही विराट कोहली ने तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी की। जी हां दोस्तों, आज विराट कोहली ने अच्छी बल्लेबाजी करते हुए 78 रन बनाए और अपनी इस पारी के दौरान विराट कोहली ने 5 चौके और 2 बड़े छक्के लगाए थे। हालांकि दोस्तों विराट कोहली ने अभ्यास सत्र में 2 से 2.5 घंटा बिताया और उसके बाद वो फील्डिंग और कैचिंग अभ्यास करने लगे। तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय टीम के ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा ने गेंदबाजी का अभ्यास किया और वो गेंदबाजी भी अच्छी करवाते हुए मैदान पर नजर आए। तो ऐसे में दोस्तों इस बार भारतीय टीम के बल्लेबाज और गेंदबाज जमकर अभ्यास सत्र में भाग ले रहे हैं कि वो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल मुकाबले में किसी भी तरह की चूक ना कर पाए। बाकी अब आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि भारतीय टीम के इस प्रदर्शन के बाद आपकी क्या राय है और आप इन दोनों ही खिलाड़ियों को 10 में से कितने अंक देना चाहोगे। आप अपनी कीमती राय और विचार हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं अगली खबर के बारे में। जो अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है वो ये है कि इन दो खिलाड़ियों में से एक होगा श्रीलंका दौरे पर टीम इंडिया का कप्तान। जी हां दोस्तों, टीम इंडिया को जुलाई में श्रीलंका के खिलाफ 3 मैचों की वनडे और 3 मैचों की T20 सीरीज खेलने, जहां पर इस दौरान टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली और उपकप्तान रोहित शर्मा टेस्ट मैचों की सवाल है। और ऐसे में इस खबर के माध्यम से हम आपको बताएं कि भारतीय टीम के कप्तानों की उम्मीद जो है वो इस बार 2 है, जहां पर एक तरफ शिखर धवन का नाम सामने निकल कर आता है। जी हां दोस्तों, शिखर धवन लंबे समय से टीम इंडिया के लिए वनडे खेलते हुए नजर आ रहे हैं और आईपीएल 2021 में भी उन्होंने अपने बल्ले से काफी अच्छा प्रदर्शन किया था और ऐसे में इस बात की संभावना सबसे ज्यादा है कि शिखर धवन को T20 और वनडे सीरीज का कप्तान की कमान सौंपी जाएगी। तो वहीं दोस्तों दूसरी तरफ शिखर धवन के अलावा जो दूसरा नाम बीसीसीआई ने सुझाया है वो है भुवनेश्वर कुमार का। जी हां दोस्तों, अगर शिखर धवन कप्तानी करने से मना करिए कि आपकी क्या राय है कि किसको कप्तान बनाना चाहिए, शिखर धवन को या फिर भुवनेश्वर कुमार को? आप अपनी कीमती राय और विचार हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगली खबर के बारे में। जो अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है वो ये है, कंट्रोल बोर्ड और महिला टीम को यूके के लिए रवाना किया। जहां पर बीसीसीआई के द्वारा साझा किया गया वीडियो, उसमें देखा गया कि कई खिलाड़ियों को क्वारंटाइन में अपने यात्रा के अनुभव और योजनाओं के बारे में बताते हुए देखा जा सकता है। और इस दौरान सभी खिलाड़ी खुश, मोहम्मद सिराज की एक शिकायत थी, उन्होंने खुलासा किया कि अनुभवी बल्लेबाज रोहित शर्मा ने उन्हें फ्लाइट में सोते समय काफी ज्यादा परेशान किया। हमें उम्मीद है कि आपको दिखाई गई जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना, जिससे कि जो आगे की अपडेट होंगी वो आप सभी को सबसे पहले चैनल पर देखने के लिए मिलती रहे। तो मिलेंगे अगली और ऐसी जानकारी में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।